हेलो जी, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है राखी। आप सभी को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, सिर्फ बनाई है दाल मखनी और रेडीमेड कुलचे, क्योंकि 3-4 दिन से मेरी कमर में दर्द हो रहा था तो मैंने फिर ज़्यादा काम किया नहीं। तो यही मुझे ऑप्शन सही लगी कि घर में दाल बना लेते हैं और कुलचे आ जाएंगे। तो आपके साथ दाल की रेसिपी शेयर करती हूँ। और अभी मुझे जाना है अपनी बहन के घर, तो अगर थोड़ा बहुत छूट किया तो कर लूँगी। तो ये साबुत उड़द की दाल ली है, राजमा लिए हैं और थोड़ी सी मैंने चने की दाल भी इसमें डाली है। और एक दिन पहले ही रात को मैंने इसको भिगो के रख दिया था, क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगले दिन जब ये भीग गई थी दाल, तो इसमें मैंने नमक डाला है और आधा चम्मच के करीब मैंने ऑयल डाला है और 4 या 5 सीटी मैंने इसमें लगवाई हैं। तड़के की भी मैंने तैयारी कर ली है। प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर सब चीज़ें काट ली हैं और टमाटर की मैंने थोड़ी सी प्यूरी करके रखी है और ऑयल चढ़ाया है, साथ में जीरा डाला है, प्याज डाली है। प्याज और लहसुन एक साथ ही डाले हैं, तो अब इनको भुनने दूंगी अच्छी तरीके से। और जब प्याज थोड़ी सी हो जाएगी तो उसके बाद मैं इसके अंदर टमाटर की प्यूरी डालूँगी। 3 टमाटर मैंने इसमें डाले हैं, क्योंकि जितना अच्छा हम इसका मसाला बनाते हैं दाल में, उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। तो साथ में नमक डाल दिया है, मिर्च डाल दी है, थोड़ी देगी मिर्च भी डाली है और अपने घर का गरम मसाला। वैसे तो इसके अंदर हम दालचीनी का पाउडर डालते हैं ना, तो इसका दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन मेरे बच्चों को थोड़ी दालचीनी कम पसंद आती है, तो मैं फिर गरम मसाला ही डालती हूँ। दाल तो अच्छे से उबल चुकी है, बस इसको थोड़ा सा घोटना बाकी है। तो मैं इसको अभी गैस पर ही रखा रहने दूंगी, हल्की हल्की सी गैस जला के, मतलब कि सिम गैस जला के। और मसाला उधर देखो तैयार हो रहा है। और नाश्ते में मैंने हस्बैंड के लिए बनाया था प्याज का पराठा, क्योंकि दाल बनने में अभी टाइम था और हमें फिर निकलना भी था, तो प्याज का पराठा उनके लिए मैंने बना दिया है। साथ साथ मेरी दाल का तड़का भी तैयार हो रहा है और दाल भी घुटने के लिए रखी हुई है। तड़का एकदम रेडी हो चुका है, तो ये मैं डाल दूंगी दाल के अंदर। और तड़का डलते ही दाल की एकदम शक्ल भी चेंज हो जाएगी और देखने में भी अच्छी लगेगी। और साथ में मैंने इसमें, मैं दिखाना भूल गई, मैंने थोड़ा सा इसके अंदर दूध भी डाला था। और अब दाल मखनी है तो फिर मक्खन डालना तो बनता ही है, तो मक्खन डाल के भी अभी थोड़ी देर ये पकेगी। और थोड़ी सी इसके अंदर मैं डालूँगी क्रीम, और अमूल की क्रीम है जो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, और उससे ही दाल का टेस्ट एकदम से चौगुना हो जाएगा। और इसको अभी थोड़ा सा और पकने देते हैं, जितना पकेगी उतना इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो इधर दाल पक रही है और उधर मैं थोड़ा सा कुलचे वगैरह गरम करने की तैयारी करती हूँ। इनको भी थोड़ा थोड़ा सा मैंने बटर लगा के सेक लिया है, आगे से भी और पीछे से भी। वैसे मेरा मन था घर में कुलचे बनाने का, लेकिन मैं मतलब कर नहीं पाई इतना। मैंने सोचा चलो अभी रेडीमेड कुलचों से काम चला लेते हैं। तो ये दाल भी तैयार है, कुलचे भी तैयार हैं, और इसके साथ बस चाहिए थोड़ा सा प्याज, और बढ़िया सा हमारा ये लंच कह लो या नाश्ता कह लो तैयार है। और बस अब तैयारी करेंगे हम निकलने की, क्योंकि हमें भी जाना है। वीडियो बन रही है। तो
ये बात उनके माथे पे पहले ही बतेरा लगा पड़ा है। देखो ना जो हमारा जो जिम था और आज का मेन बात करने का टॉपिक यही था जो हमारे जिम में इतना नुकसान हुआ है तो सब उसी की बात कर रहे हैं। और ये बहनें बांध रही हैं राखी और इसके बाद फिर खाना वाना होगा और फिर अपने घर को वापसी। और बाद में इतनी तेज़ बारिश आई थी ना वहाँ पर, थोड़ा सा वीडियो शूट किया है मैंने बारिश का भी। वो बैक साइड वाला सीवर है कौन से लीकेज है, तो वो जिस पर बिल्डिंग बन रही थी ना तो उस टाइम पीछे लीकेज थी, बिल्डर ने उसके अंदर पंप लगा के पानी बाहर निकालता था बिल्डिंग अंदर का। और तीसरे प्रॉब्लम कुछ बड़ी बात नहीं है, पीछे बिल्डिंग भी नहीं है। और बहुत ज़्यादा मैंने वीडियो शूट नहीं किया था और आपको तीन चार दिन पहले मैंने बताया था कि मेरी नंद की भी राखी आ चुकी हैं, तो मैं ये वहीं ले गई थी और मेरी बेटी ने बांध दी थी अपने पापा को भी और मुझे भी कर दिया था दीदी की तरफ से। तो बस ऐसे ही अच्छे से त्यौहार सेलिब्रेट हो जाता है। आज का व्लॉग थोड़ा सा छोटा सा ही है, आई होप आप इंजॉय करोगे। मिलूँगी आपसे फिर किसी और दिन कोई और नई रेसिपी के साथ। तो राधे राधे सभी को। और खाना खाने के बाद इतनी तेज़ बारिश आई है कि फिर हमने बाहर इंजॉय किया है बारिश को और बच्चे भी नहा रहे हैं और हम लोग भी वीडियो वगैरह शूट कर रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था, इतनी तेज़ बारिश और उनके घर के नीचे पूरा जाम लग गया जैसे बारिशों में होता है ना, फटाफट सब अपने घर को भागने लग जाते हैं तो जाम लग जाता है। और ये फ्लैग देखो हमारा, कितनी तेज बारिश है और उसमें भी कितना अच्छे से लहलहा रहा है, मजा आ रहा है इसको देख के भी कि मतलब भीगा भी हुआ है तब भी अच्छे से उड़ रहा है क्योंकि हवा इतनी तेज है। जाने दे, नहाने का मन कर रहा है उसका, मेरा भी मन कर रहा है लेकिन अभी जाने ना दोबारा। तो क्या हो गया, पहन लियो कपड़े डरपोक। अरे दोबारा नहाना पड़ेगा मुझे। क्यों नहाना पड़ेगा, ये चला जियो भाई, तो चला जा यार, इतनी फिकर नहीं करते, क्यों जाए पहले। और इन बच्चों को देख के ऐसा लगता है हम बेकार में ही इतने बड़े हो गए, बचपन ही अच्छा है, जो मर्जी करो जैसे मर्जी करो। देखो बारिश आ रही है तो खुल के नहा रहे हैं अपने